पर्यावरण जागरूकता का संदेश लेकर साइकिल से निकले रॉबिन सिंह दीवानगंज पहुंचे। 11 मार्च को भोपाल में होगा यात्रा का समापन। पर्यावरण के प्रति चिंता और सुरक्षा की भावनाओं को लेकर इटावा उत्तर प्रदेश निवासी रॉबिन सिंह ने साइकिल यात्रा शुरू की थी। ग्रीन इंडिया मूवमेंट का संदेश देते रॉबिन सिंह भोपाल विदिशा हाईवे से रायसेन जिले के दीवानगंज पहुंचे, जहां पर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया। रॉबिन सिंह ने कहा कि हम पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर अब भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। 6 अक्टूबर 2022 को कन्याकुमारी तमिलनाडु से पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरण अभियान ग्रीन इंडिया मूवमेंट साइकिल यात्रा शुरू की थी, जिसके प्रथम चरण का समापन 11 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगा। बता दें कि उन्होंने 24 राज्यों की यात्रा कर 519वें दिन रायसेन जिले के दीवानगंज पहुंचे और उन्होंने बताया कि वे यूनिवर्सिटी और स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं एवं लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हैं। भाई साहब, आपने ये यात्रा कहाँ से शुरू की थी और किस देश को लेकर शुरू की थी? 6 अक्टूबर 2022 कन्याकुमारी तमिलनाडु से पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण जनजागरण अभियान ग्रीन इंडिया मूवमेंट शुरू किया था। इसका आज 519वां दिवस है और हम रायसेन जिले में। तो कहाँ तक जाएगी और कहाँ समापन होगी आपकी यात्रा? 11 मार्च 2024 यानी कि 2 दिन के बाद इस यात्रा अभियान का भोपाल में मध्य प्रदेश की राजधानी में प्रथम चरण का समापन होगा। सब तक संदेश पहुंचे कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होकर के इस पर विचार करना प्रारंभ करें और हवा पानी और अन्न इनको शुद्ध रखने के अपने स्तर से प्रयास शुरू किए जाएं, इसी उद्देश्य को लेकर के यह जनजागरण है। अभी तक 30,000 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय हुई है और 500 से अधिक जिलों तक मैं पहुँचा हूँ और 24 राज्य कम्प्लीट हुए हैं।